Hello friends, we are today Iraqa to Swiss, so the key to story team point wala hai, team point hai, Iraqa, dekhe yahan pe team point hai, team point hai, so ye 2A Swiss hai, ye ab hum dekhte hain ki isme 2A Swiss kaise connect kiya jata hai, 2A Swiss mein ball kaise dalaya jata hai, to chaliye aaj dosto shuru karte hain aaj ka video. आप एक ऐसा दो 2A स्विच लीजिए, देखिए ये 2A स्विच कैसा है. सिंपल आप ऐसे दो वायर लीजिए और देखिए मैं इसको कहाँ पे कनेक्ट करता हूँ. को यहाँ पे लगाया इस पर में उसका अपोजिट इस स्विच के ऊपर ही इसे में लगाइए. एक वायर कनेक्ट हो गया, बाकी ये दूसरा वायर इसको भी इस तरह एक वायर यहाँ पर कनेक्ट कीजिए और दूसरा वायर यहाँ पर कनेक्ट कीजिए. दोस्तों अगर आप कहीं भी इसमें अगर समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूँगा. ये हो गया पैरेलल कनेक्शन, देखिए मैं कैसे किया हूँ. ये हो गया इस ऊपर स्विच के ऊपर हिस्से से, उस स्विच के ऊपर हिस्से में एक वायर कनेक्ट हुआ है, ये नीचे से एक वायर इस स्विच के नीचे से कनेक्ट हुआ है. चलिए अब इसमें बल्ब लगा के देखता हूँ, दिखाता हूँ कि कैसे कनेक्ट किया जाता है. ये रहा दोस्तों आपका बल्ब होल्डर, इसमें दो वायर लगा हुआ हो है, देखिए इसे दो वायर निकला है. ये जो होल्डर से दोनों वायर निकला है, एक वायर को आप एक स्विच के किसी भी स्विच में, एक स्विच के जो भी जो पॉइंट है उसमें लगाना है, यहाँ पे लगाओ या यहाँ पे, ठीक है. अगर आप यहाँ पे बल्ब के पॉइंट को लगाएंगे तो यहाँ इस तरफ आपको फेस लगाना पड़ेगा, करंट लगाना पड़ेगा. अगर आप ये पॉइंट यहाँ लगाएंगे तो आपको यहाँ पे फेज लगाना पड़ेगा. तो चलिए मैं एक ही जगह पर लगा के दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं लगाता हूँ. ये जो रहा दूसरा वायर, इसमें आपको न्यूट्रल लगाना है. चलिए मैं आपको लगा के करंट लगा के दिखाता हूँ. ये रहा आपका फेज और न्यूट्रल दोनों वायर है,
देखिए यहाँ पे इसमें करंट आ रहा है, देखिए इसमें करंट आ रहा है। चलो अब मैं इस करंट को यहाँ पे इस स्विच में लगाता हूँ, इसको यहाँ पे लगाना है। ये फेस तो कनेक्ट हो गया स्विच स्विच के बीचों बीच। ये रहा आपका न्यूट्रल, ये आया है होल्डर से जो न्यूट्रल है, इस न्यूट्रल को इस न्यूट्रल में कनेक्ट कर देता हूँ। ये हो गया आपका न्यूट्रल, मैं थोड़ा फ्यूज स्टेप कर देता हूँ। ये हो गया आपका, इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि ये दोनों सूज रहा है। ये पहला लाल कनेक्शन हो रहा है, दूसरा ये देखिए इस तरह यहाँ को कनेक्ट हुआ है। एक स्विच के बीचों इस होल्डर से आया हुआ है, एक वायर कनेक्ट हुआ है पॉइंट, उस होल्डर के दूसरा वायर जो न्यूट्रल है मैं इस डायरेक्ट न्यूट्रल के साथ कनेक्ट किया हूँ। ये रहा आपका फेस, ये यहाँ पर कनेक्ट हुआ है। चलिए अपने इसको करंट लगा के दिखाता हूँ आपको, बॉल चलता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे करंट आ रहा है, ये देखिए चलो मैं इसको एक बॉल लगा के आपको दिखाता हूँ। देखिए करंट आ रहा है, देखिए अब मैं इसको ऑन करता हूँ। ये देखिए देखो बल्ब जलने लगा है, आप यहाँ से आप कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर फिर से ऑन करेंगे तो आपको यहाँ पर इस स्विच पर आपको करना है। अच्छी तरह से देखिए दोस्तों मैं कैसे करता हूँ, यहाँ से दोस्तों ये इसमें करंट है। आप इस तरह बिल्कुल भी ना करें, अपने आप लोगों से दिखाने के लिए ही कर रहा हूँ। देखिए एक स्विच ऑन रहेगा तो एक स्विच आपका ऑफ ही रहेगा, अगर आप एक ये स्विच ऑफ करेंगे तो बहुत चलने लगा है। आप यहाँ पे आकर इस स्विच को ऑफ करना है। ये हो गया आपका पूरे कनेक्शन। तो अगर आपको फिर भी कोई वायरिंग के बारे में जानना है तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए, मैं उस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो बना के आपको जरूर दिखाने की कोशिश करूँगा।